मध्य प्रदेश की सिंगरौली में एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी और जंगल में जाकर सबको फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक प्रेमी का आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। घटना के दिन यानी 10 नवंबर को शंखलाल बाजार जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह बाजार ना जाकर अपनी प्रेमिका महिला से मिलने उसके घर पहुंच गया। उसी दौरान अचानक महिला का पति साढ़ो व भतीजा आ गया और अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ संदिग्ध हालात में देखकर अपना आपा खो दिया, जिसके बाद पति ने उसकी हत्या करने की साजिश रच दी। महिला का पति अपने भतीजे और एक महिला के जीजा के साथ मिलकर शंखलाल पर लाठी डंडे से प्रहार कर उसकी हत्या कर सबको जंगल में फेंक दिया। घटना सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र की है। सिधार गांव के जंगल में बीते बुधवार को एक शव मिला था। शव की पहचान सिधार गांव निवासी शंखलाल खैरवार उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई थी। मोरवा थाना प्रभारी यूपी सिंह के मुताबिक शंखलाल का गाँव के ही एक महिला से अवैध संबंध था। घटना के दिन महिला के पति ने अवैध संबंध बनाते देख लिया था। इस वजह से महिला के पति ने अपने भतीजे व रिश्तेदार के साथ मिलकर शंखलाल की हत्या कर सबको जंगल में फेंक दिया। 6 दिन बाद जंगल में कुछ लोगों ने एक शव को देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। अधेड़ की पहचान 2 दिन पहले मोरवा थाना क्षेत्र के सिधार गांव से लापता व्यक्ति शंखलाल खैरवार उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस हत्या के वारदात का खुलासा कर दिया है। ये मृतक का एक महिला के साथ संबंध था। महिला के पति को जानकारी इसकी लग गई थी, उसके कारण से उसने उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्रयास किए। 11 तारीख की रात्रि में ये करीब महिला अपने मायके आई हुई थी, साथ में उसका जो मृतक है वो भी उसके साथ था। पति को जानकारी लगने पर पति ने उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपने 2-3 रिश्तेदारों को बुलवाया और उसको पकड़ने के लिए जैसे वहां पहुंचा टॉर्च मारी तो महिला बता रहे हैं कि भगने को हुई और वो जो मृतक था उसने पत्थर उठा के मारने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उसको लट से मार दिया, जिसके कारण से उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मौत।